أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه اجتنابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we had finished another group of verses in the last class, and the last verse of that group was verse number 18. Rashida khabar ko to ye group aur sari uske ayaton ke number yaad hai. Koi ek quickly sirf ye last group kahan se kahan tak hai, koi dusre se बताए जल्दी से. दिस ग्रुप एनीवन कम ऑन. पहले वाला जो ग्रुप था वो तो 62 टू 77 था, और उसके बाद यहाँ पर 78 से 80 तक की आयतों का एक छोटा ग्रुप था, और अब 81 से कोई 110 92 तक 92 तक. ओके सर, आपने बताया नहीं था. सर बताया था 90. सॉरी सर, अगर 92 तक भी वही मजमून है. चलिए, क्या है ये तीन चार आयतों का ग्रुप, क्या था, क्या इसका ये जो उनके लिए है कि जो इतनी सारी निशानियां हैं अल्लाह ताला की, और फिर भी जो पीछे जिनके बारे में बात हो रही थी कि वो अल्लाह पे यकीन नहीं ला रहे हैं, लाइक उस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो उनके लिए है, और अल्लाह की जो निशानियों का इनकार कर रहे हैं, तो ये जो रोजमर्रा की निशानियां हैं अल्लाह की, उनके बारे में याद दिलाया जा रहा है हमें कि ये इसके बावजूद भी तुम जो है वो क़यामत के दिन पे यकीन नहीं रखते, और अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर तुम ईमान नहीं ला रहे. चलिए, यहाँ ख़त्म हो गया. अब यहाँ से ये तकरीबन 12 आयतों का ग्रुप है, और बहुत ही आसान छोटी छोटी आयतें हैं. इस ग्रुप के जितने शुरका हैं एक्सेप्ट वन और टू, मैंने समझता कि कोई भी आयत इनमें से इस ग्रुप के लिए मुश्किल है. छोटी आयतें हैं और बहुत आसान आयतें हैं, और आप जितनी चाहें आज कंप्लीट कर सकते हैं. बहुत मुमकिन है कि आप पूरी 12 आयतें भी कंप्लीट करेंगे, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा तफसीरी पॉइंट्स भी नहीं हैं, सिंपल भी हैं, समझी भी जा सकती हैं, और उसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत बढ़िया है. तो नहीं है कि उसको ग्रामेटिकली कोई डिफिकल्टी हो समझने में. सो इंशाल्लाह, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम 81. 81 को फिर हम जो है इंट्रोडक्टरी आयत लेंगे, जो आने वाली तमाम आयतों के को इंट्रोड्यूस कर रही है. चलिए, हु वांट्स टू गो फर्स्ट? क्या ऐसा तुम बीच बीच में फिर कहे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, गायब हो गई थी, फिर आ गई? अस्सलाम वालेकुम सर. अब सही है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ. अब सेकेंड अक्टूबर से मैं गई थी वापस, तो वो कोर्स कंप्लीट करने सारा, वो जो था डिटॉक्स का, नेचर की ओर. जी
ओके ओके चलिए, अब तो अलहमदुलिल्लाह ठीक है। नाउ जी। हु वांट्स टू डू इट? मैं समझता हूँ हर एक पार्टिसिपेट करेगा, आयतें छोटी छोटी हैं और उसमें कोई मुश्किल नहीं है। सर मैं कर लूं। यस कम ऑन स्टार्ट इट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बल कालू मिसला मा कौल अल अवलून। ये जुमले फेलिया है, जुमले फेलिया खबरिया है और ये निगेशन से स्टार्ट हो रहा है। बल यानी कि बल्कि, नहीं के माने में हर्फ नफी। कालू वो कहते, वो कहे। कालू फेल है, काला रूट वर्ड और फाइल है वाउ अलिफ। ये फेले माजी है कि वो कहते। मिसला, मिसला को हम कहेंगे जैसे या मिसाल के तौर पर, जैसे के। माँ कौला, माँ यहाँ पर इसमें मौसूल है और उसका सिला है कौलल अवलून। इसको एक तरह से कर सकते हैं या फिर माँ कौला को कौला फेल और फाइल, फाइल जो है वो जसी में है हुआ, और उसका मफूल है माँ, यानी कि इसमें मौसूल माँ जो है वो मफूल के पोजीशन में आ रहा है। और यहाँ जो फाइल है वो है कि अल अवलून, जो पिछले जो गुजर चुके, अल अवलून, तो ये है प्लूरल में, जमा के फॉर्म में अल अवलून। ठीक है, कोई बहरहाल थोड़े नाकों का असर भी होता है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये बल क्या है? व्हाट इज बल? इन्होंने निगेशन कहा और निगेशन से शुरू हो रहा है, ये निगेशन नहीं है, निगेशन बल में नहीं आता। एनीवन कैन गिव मी व्हाट इज बल? सर बल होता है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, कि पहले जो स्टेटमेंट चली है ऐसा नहीं बल्कि ऐसा। अच्छा, तो इसको देखिए, इसका शायद नाम मैं कभी नहीं दिया था, या दिया था या मैं भूल गया था, कुछ याद नहीं है। लेकिन इसको जैसे मुख्तलिफ हुरूफ होते हैं, सबबिया होते हैं, सवालिया होते हैं, तो उसी तरह से बल को ग्रामर की जबान में बल इंतखालिया कहते हैं। एक स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करके कोई दूसरा स्टेटमेंट अगर देते हैं तो वहाँ पर बल इस्तेमाल करते हैं। तो वो उन्होंने जो है वो सब बातों को नहीं माना, उसके बरखिलाफ उनका ये स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है वो आगे वाली आयतों में आएगा, फिर उस पे सवालात हैं, फिर उसके जवाबात हैं, एक पूरा एक अंदाज से बयान है उसका। सो बल को आमतौर पे हरफे इंतकालिया, दैट मीन्स आप साजदा ने बहुत अच्छा उसका अंग्रेजी में इस्तेमाल किया है, एक कंट्राडिक्टरी वर्ड जो पिछले बात से कंट्राडिक्ट करता है। ये सारी बातें हैं जो उनको बताई गई, लेकिन उसके बावजूद, लेकिन ये उसके मायने निकलते हैं। फिर उसके बाद ये भी बहुत उसने सही किया, यहाँ पर कोई मखौला है? नहीं सर मकबला नहीं, नहीं कोई मखौला नहीं है, बल्कि उनका स्टेटमेंट वो दे सेड, कालू दे सेड, कौन है? वही कुफार, या फिर उसके बाद भी जितने ईमान नहीं लाए, आज भी ईमान नहीं लाए, ये कयामत तक नहीं लाएंगे, तो उनके बारे में, उनके ये खालू जो है सिर्फ जबान से कहने के लिए नहीं, बल्कि देर बिलीफ, उनका ये बिलीफ था जिसका वो मुख्तलिफ अंदाज में इजहार करते थे। और वो बिलीफ कोई नया बिलीफ इनके अंदर नहीं था, बल्कि इनसे पहले बहुत सी कौमों ने इसी किस्म के एतराजात किए थे जो एतराजात ये कुफार कर रहे थे।
ठीक है, कालू के माने एग्जैक्टली सेइंग समथिंग नहीं, बल्कि अपने बिलीफ का इजहार करना। ये फिर वो ये कहते हैं, उनका कौल क्या है, मिसला मा खाला लहु, बोलो वही बात कह रहे थे, वही अकीदे का इजहार कर रहे थे, वही बिलीफ का इजहार कर रहे थे जो इनसे पहले जो ये अव्वलीन कौन है कौमे, यानी वो नूह अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी कौमें आई है, जितने रसूल आए हैं, नबी आए, उनको नहीं मानने वालों में एक सा जवाब दिया, सबको वो आखिरत के ऊपर सबसे पहले एतराज़ करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने जब आखिरत के बारे में फरमाया तो कई ऐसे थे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो मुगैरा वगैरह सूरह यासीन में भी जिक्र है कि वो कहीं से एक हड्डी लाया और उसको अपनी दो उंगलियों के बीच में मसल के उसको खाक बना के कहा कि कौन है जो इस हड्डी को दोबारा जिंदा करेगा, उसको हवा में फूंक दिया। तो ये एक एक इंट्रोडक्टरी लाइन है, इंट्रोडक्टरी आयत है, ये सब समझा देने के बावजूद वही बिलीव रखते हैं, वही अकीदा रखते हैं और वही खौल उनका भी है, मा खाल अल अव्वलून, अव्वलून से मुराद पिछली तमाम कौमें हैं जो अपने अंबिया और रसूलों पे ईमान नहीं लाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, हूद अलैहिस्सलाम की, लूत, ये सारी कौम, और उनका भी वो इतराज़ सारे थे, तौहीद पे भी उनको एतराज़ था, रिसालत पे भी एतराज़ था, बशर के नबी होने पे भी उनको एतराज़ था, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात आखिरत के बारे में, और आखिरत का ईमान भी बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान ये ज़िंदगी को जैसे चाहे गुजार ले और फिर मर जाए तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, अगर ये तस्वुर हो तो फिर इंसान जो चाहे करे। तब यहाँ पर सिर्फ ये है कि पिछली कौमों में जो अनबिलीवर्स थे उन्होंने जैसा इनकार किया, और ये इनकार इट्स नॉट अबाउट तौहीद, रिसालत, पूरे कुरान में और जगह उसका जिक्र है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली आखिरत के बारे में वो वही कहते थे। ये अगर से कि वो आखिरत वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, लेकिन दे विल ओपन व्हेन वी प्रोसीड विद द वर्सेस, जैसे हम एक एक वर्स को हर एक वर्स दूसरी पिछली वर्स से लिंक करेगी, जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि पिछली सूरतों में हम पढ़ के आए, कहीं आपकी नबूवत के बारे में, अंबिया की नबूवत के बारे में खसस में पढ़े हैं अंबिया के, कि उनके नबी होने पर ये एतराज़ था, तौहीद पे एतराज़ था, एक अल्लाह को मानने पे एतराज़ था। यहाँ पर एक ख़ास और चीज़ जो आखिरत है उसके बारे में उनका भी वही कौल था जो माखाल अव्वलों। ठीक है, ये समझ में आया आयशा? जी सर, जी सर। जो ये जो आयत है, ये पिछली जो ग्रुप ऑफ आयत में जो जिक्र हुआ था और जो जो उनके उनको समझाया गया था, उसके बावजूद उन्होंने अपना बिलीफ जो है वो बदला नहीं, बल्कि वही कुफर की हरकतों पर वही एतराजात करते थे निशानियों पर और उनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज पर। तो ये जो पिछली कौमों की जो बातें थी वो वही रिपीट हो रही थी, जो एक नूह अलैहि सलाम और सालेह अलैहि सलाम से पहले जो सारी कौमें थी। तो ये उसी तरह ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट से शुरू हो रहा है ये ग्रुप। ठीक है, चलिए, लेकिन आप फिर सारी चीजें गुटमुट कर दिए, जहाँ पर
तौहीद का इनकार है वो अलग चीज़ें हैं, जहाँ नबूवत का इनकार है वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन नबूवत के मैसेज में एक मैसेज टू बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट, जहाँ पर आमाल का हिसाब किताब होगा और अबदी ज़िंदगी में उससे इनाम मिलेगा या सज़ा मिलेगी, वो जिक्र है मरने के बाद उठाए जाने का। सो दीज आर वर्सेस, ये उनके इसी सवाल का जवाब। सर आपकी आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही है, अच्छा आवाज नहीं आ रही है मेरी? सर हम लोगों को तो आ रही है, शायद उनको नहीं आ रही। ये कुछ बोले ना, वो क्या बोले आयशा तुम? उनको आवाज नहीं आ रही। अब उनकी आवाज भी हमको नहीं आ रही है तो बराबर हो गया जी जी। अब आ रही सर, जब से पता नहीं क्या हुआ था। चलिए, सो एनी हाउ दिस वर्स इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। इसमें कोई सवाल है? कंप्लीट नहीं हुई है, आगे इसका पूरा बाकी क्या आयते हैं इससे जुड़ी हुई है। ये है वो खाल जैसे ये मा काल अल अव्वलून, इसको ग्रामेटिकली जो है ये काला का अव्वलून फाइल होगा जो बिल्कुल मास्क फुल हो जाएगा, कहा पहलो ने कहा जो माँ, उसने बिल्कुल सही कहा, मफूल भी ही मुकद्दम है और काल अल अव्वलून, अव्वलून जो है ये उनसे पहले वाले, इसका खाला का ये फाइल हो जाएगा। और जब कहा था पूरी कौम के लिए, कभी सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है कभी प्लूरल भी, दोनों जायज है, कहा कहा जाता है या कहते थे, कहे पूरा नहीं, काल खाल अल सबका खौल, अव्वल उनका खौल जैसा भी था वही खौल इनका भी था। ठीक है फातिमा? जी सर, जी सर। चलिए उसके बाद क्या है? ओह 81 82। चलिए ये है उनका इतराज़, ये है वो मा खाल अल अव्वलून, उसका उसकी वजाहत है। नाउ हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? हर एक हिस्सा लेगा और मैं समझता हूँ कि कोई आयत किसी के लिए मुश्किल नहीं है, ये मेरा बिलीफ है। कम ऑन, हु वांट्स टू टेक इट अप? सर मैं कर, ओके कोई और कर रहा, कर हमारा भी है। खैर ये और थोड़ा सा बात किया है, देखते हैं। साजिदा दानिश कल भी हाथ उठाए लेकिन उनसे क्या हुआ था, अनम्यूट नहीं हो रहा था कल में। सॉरी मैं एक सेकंड के लिए उठी थी काम से, तो उसी दौरान में शायद आपने कॉल किया तो बाद में, लेकिन वो मैंने मेरे से मिस हो गया। अच्छा ना, चलिए अब आज कर लीजिए। साजिदा कम ऑन, फिर कहीं उठ गए ना काम पे, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सर ये हम यहाँ से करेंगे। कालू, कहा उन्होंने, ये फेल और फाइल है और ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, कहा उन्होंने, आइजा मितना, यहाँ तक करेंगे। पहले इतना पूरा मुझे बता दीजिए ये किसके तरफ इशारा है, कालू कौन है, इसका फेल फाइल अच्छे तरीके से सुकून से, लेकिन मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊं, तमाम क्लास के लोगों की इंटरेस्ट भी बाकी रहे, ऐसे मालूम हो कि आप वो ओनियन के छिलके निकाल के उसके एक एक परत खोल रहे हैं ऐसा। अब ये खालू हैं कौन, है ना, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसमें फेल भी है फाइल भी है, ये फाइल कौन कौन हो सकते हैं ये बताइए। जी सर, सर ये वही जिनसे जिनको नबूवत की दावत थी, वो सारे ही लोगों की तरफ रेफर हो रहा है, जिन जिन की तरफ जो है वो नबी भेजे गए और उन्होंने उनको दावत हक दी, तो उनका क्या रिस्पांस था? ये मेरा ख्याल है उन सारों की तरफ हो सकता है। आप यूं भी कह सकते हैं, वावालिफ जो है ये प्लूरल के लिए है खालू, उस वक्त के खुरैश, और यही जो खौल है
माँ काल अव्वलून का भी था, उन्होंने भी यही कहा था जो आगे बता रही है। और ये जो कुरैश थे, ये जो डिसबिलीवर्स थे, उन्होंने भी वही जवाब दी आखिरत के बारे में। पूरी नबूवत के इनकार का पार्ट इन आयतों में नहीं है, अब आगे भी कुछ ऐसा आएंगे मिक्स्ड आयतें हैं, लेकिन मेनली इन दो तीन आयतों में सिर्फ आखिरत के बारे में, द बिलीव इन द हियर आफ्टर, जो आखिरत में मरने के बाद उठेंगे, सिर्फ उतनी बात के ऊपर बहस ये कर रहे हैं। अब ये खालों में दोनों तरफ इशारा है, इसलिए कि पिछली आयत में आया था उनका जवाब भी आखिरत के बारे में वही था जो उनसे पहले वाले लोग कहा करते थे। अभी कालू में वो कुरैश भी हैं और उनसे पहले की उम्मतें जो अपने अंबिया को जवाब दी आखिरत के बारे में। समझ में आ रहा है साजदा? जी सर, बिल्कुल ठीक। ऐसे उसको क्लियर करना है। अब उसके बाद ये कॉमन जवाब था, पहले के लोगों ने भी यही कहा आखिरत के बारे में, और ये लोग भी कह रहे हैं, और जितने ने डिसबिलीवर्स हैं शायद उनका भी यही अकीदा है कि मर ये हड्डियाँ गोश पोश सब गल सड़ जाने के बाद, बोसीदा होने के बाद कैसे उठाएंगे। कुरान में बेशुमार जगह उसके बारे में कहा गया है जो एक बार पैदा कर सकता है वो दोबारा उठाना वो आसान है, पहली बार पैदा करना मुश्किल काम है, लेकिन जो चीज़ पहले पैदा हो चुकी थी उसको दोबारा क़यामत के वक्त उठाना आसान है ना। ये ख़ाल अब इसमें हमको सिर्फ थोड़ा सा अपना आउटलुक ब्रॉड करना है। ब्रॉड से मैंने खाली उनका जवाब नहीं है, बल्कि पिछली आयत में वजाहत कर दी गई कि ऐसा ही जवाब आखिरत के बारे में पिछली कौमों ने भी दिया। चलिए अब आगे चलिए। जी सर, सर आइजा से जो है हम इसको मुकौला भी कह सकते हैं उन लोगों का जो ये डिसबिलीवर्स थे। ये जो डाउट की वाली बात है, नहीं जी जी सर, ये भी कह सकते हैं तो उसका मतलब ये है कि और भी बहुत कुछ कह सकते हैं, ये मुकौला मुकौला ही है ना, भी कह सकते हैं। जी सर, ये तो बहुत तकल्लुफ से काम ले रहे हैं। नहीं सर, मुकौला है। अब फिर ये बोलिए ना, यहाँ से मुकौला है, ये सीधी बात, हम मुकौला भी कह सकते हैं, हम कौल भी कह सकते हैं, भी जो ये फिर वो लखनऊ के लोग होते थे, बड़ी तकल्लुफ वाली बात। चलिए मुकौला है, ये मुकौला है। आज जो है यहाँ पर हर्फ इस्तफहाम है, और इजा जो है ये मफूल फी ही है, और ये एक किस्म का हैरत का भी सर उनका इजहार है कि दे आर क्वेश्चनिंग एंड दे आर लाइक डिसबिलीविंग और दे आर वंडरिंग एज वेल कि क्या जब मितना माता से है रूट वर्ड, और नून अलिफ ना जो है ये फाइल है उसका, यानी कि मर जाएंगे हम, मरेंगे हम, क्या जब मरेंगे हम, वाओ वाओ जो है वो अत्व यहाँ पे, और कुन फिर थोड़ा सा फर्क आ जा रहा है। आप ये इतने टुकड़े को कर पहले कलेक्ट आप कर, वो करना था सेलेक्ट, उसके बाद और कुछ ऐड करना था, फिर कुछ ऐड करना है। अब जो हम माइक्रो बनते जा रहे हैं उसके लिहाज से, अब ऐसा एक आयत लेके उसमें फिर वा भी कर लिए, कुन्ना भी कर लिए, इतना हम पहले अलग कर लेंगे ग्रामेटिकली, इट्स ए कंप्लीट सेंटेंस बट नॉट कंप्लीट इन मीनिंग। ग्रामेटिकली कंप्लीट है, मानों में कंप्लीट नहीं है। जब और कलिमात इसमें ऐड होंगे तो पूरे कलिमात मिलके कई ग्रामर के जुमले बनके एक आयत का मफहूम निकलेगा। तो पहले यहाँ पर ये एक शर्त के साथ है ना, इजा मितना, तब ये जुमला कौन सा है ना, ये सर इसे दिया लेंगे, और हरफे ये जो इस्तफहाम है इसको फिर सर हम इजा को फिर शर्त के तौर पर लेंगे क्या हम, और ये मितना जो है ये फेल, और माता जो है फेले शर्त होगा फिर,
और नून अलिफ का फाइल होगा, क्या जब मरेंगे हम, इज इट लाइक दैट? खत्म, बिल्कुल इसी तरह से ये सवाल हो रहा है, उनका जवाब है जो वो आखिरत के बारे में कहते थे, ये उनका डाउट है। इज़ा मितना, अब ये दिस इज देयर, उनके बिलीफ की अक्कासी हो रही है, उनके बिलीफ को अल्लाह सुबहानहू तआला जाहिर फरमा रहे हैं, उनके दिलों के हाल को, और जबान से भी कहते होंगे तो जो भी है उसको कह रहे हैं। उनका भी ख्वाल है, उनसे पहले वाले भी यही कहते थे, पहले उनका अपना डाउट या सवाल है, और वो जो है इंशाइया है, डाउट वाला जुमला है या फिर सवालिया जुमला है, इस्तेफामिया है, और शुरू हो रहा है आइजा मितना, बात ख़त्म हो गई, यानी कि जब हम मर जाए, अभी कोई सही मतलब पूरी बात नहीं हुई, बल्कि ये आखिरत के बयान को शुरू कर रहे हैं, अभी तो हम जिंदा हैं, हम मर जाएंगे, पहले मर जाएंगे, नंबर एक स्टेज, हर एक मरेगा, नंबर एक स्टेज, उसके बाद क्या ऐड करेंगे आप? वकुन्ना तुराबन, यहाँ तक हो गया, ये आप इसके अंदर प्लस कर रहे हैं, ये आप इसके अंदर प्लस कर रहे हैं, और कुन्ना तुराबन की एनालिसिस करेंगे, मानो उसके साथ जोड़ेंगे। सर जो है यहाँ पर अत्फ लेंगे हम, मितना, और ये हरफे अत्फ होगा क्योंकि उसी के आगे आगे की स्टेज ये बता रहा है। ना काना का जुमला शुरू हो रहा है और उसके साथ जो दूसरा नून अलिफ ना है वो काना का इसम है, तो राबन, राबन जो है वो काना की खबर है, और तुराबन का मतलब है मट्टी, तुराब जो है वो उसका मतलब होता है मट्टी, यानी कि जब हम मर जाएंगे और हम हो जाएंगे मट्टी। यस, तो ये स्टेजेस पहले गिना रहे हैं, आइजा से सवालिया, पहले तो मरते हैं, उसके बाद मिट्टी हो जाते हैं, बिल्कुल मिट्टी है ना, सड़ गल के मिट्टी में मिल जाते हैं। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, जवाब जो है वो इस तरह है कि ये डाउट उनका कहे जब इज़ाम इतना ऐसा किए, और उसके बाद अर्थ के बाद दिस इज द सेकंड स्टेज एंड वी विल बिकम द मड, कुन्ना तुराबो, ये काने का जुमला वगैरह सब आपने इसमें प्लस कर दिया, फिर उसके बाद का टुकड़ा क्या है? वह इजामन तक लेंगे सर हम, वेरी गुड, ऐसा करना है सर। सर वाव जो है ये फिर अत्फ है, और इजामन जो है ये तुराबन पे मातूफ हो रहा है, और इजामन है कि हो जाए, मतलब हम रह जाएंगे हड्डियां, यानी हम हो जाएंगे मट्टी और हड्डियां, यानी हड्डियां सिर्फ रहेंगी, बाकी सब खत्म हो जाएगा। ऐसा ऐसे माने निकलेंगे या कुछ और माने निकलेंगे? यहाँ पर तो यही खत्म हो जाएंगे हम लोग, हम बल्कि कोई हमारा वजूद नहीं रहेगा। नहीं, वो अपन लोग यहाँ पर अशार, अपन लोग शायर कोई भी नहीं, ना आप है ना मैं हूँ, लेकिन सिर्फ हमको ये अत्फ मातूफ जो आपने कहा वो तुराबन पे मातूफ है या किसी और चीज पे मातूफ है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, है ना। अपन शायरी करना शुरू करे तो फिर बहुत ज्यादा अपन मशहूर हो जाएंगे, अपने को मशहूर वशहूर कुछ होना नहीं है। चलिए बोलिए, आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो आपको ऐसा मैं वो जो आपको मालूम है ना, कहीं पर कोई थोड़ा बहुत अगर मैल हो तो आप बर्तन को क्या करते हैं, बर्तन को राइम स्कीम जो हम बोलते हैं कि एंड पे सेम साउंड पे एंड हो रहा है। नहीं नहीं, आप जो है कहीं बर्तन अगर हो उसमें कोई चिकनाई वगैरह हो तो आप क्या करते हैं? हम उसको वॉश करते हैं अच्छी तरह, कैसे जरा सा किसी चीज से रगड़ के ना भी, जी सर, मसल के रगड़ के। अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो वही कर रहा हूँ, अब बिल्कुल वो साफ सुथरे बर्तन की तरह है, लेकिन जहाँ जहाँ कहीं थोड़ी चिकनाई है, गैर जरूरी चीज है, उसको मैं रगड़ मसल के उसको बिल्कुल साफ और क्लियर आपको होना। तो अब जैसे बाकी लोग भी हैं, कोई जवाब भी दे सकता है मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ पर अर्थ मातूफ
ये पूरा एक काना का जुमला है जो इजामन पे मातूफ हो रहा है, लेकिन इसको हर बार वो कुन्ना इजामन वो कुन्ना तुराबन, हम जो है मिट्टी हो जाएंगे, वो कुन्ना इजामन और सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाएंगी, ये भी माने निकलेंगे, या फिर हड्डियां भी कुन्ना तुराबन कुन्ना इजामन, है ना, कुन्ना तुराबन वो कुन्ना तुराबन वो इजामन, ये सारे इसके स्टेजेस हैं। पहले मरेंगे, फिर मिट्टी हो जाएंगे, न गोश्त पोश मिट्टी होगा बल्कि हमारी हड्डियां भी मिट्टी हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप, आत्फो मातुफ जो है तुराबन और इजामन पे नहीं है, हड्डियों पे इसको नहीं, बल्कि ये पूरा एक जो काना का जुमला है वही यहाँ पर इसमें ये पूरा रिपीट होना चाहिए। इतराबन जो है दोनों पे फिट हो रहा है, वो कुन्ना इजामन तुराबन, क्यों उसको भी सेट कर सकते हैं, हमारी हड्डियां और हम मिट्टी हो जाएंगे जब हम मर जाएंगे स्टेज नंबर टू, और हड्डियों को मिट्टी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, गोश्त को मिट्टी बनने में कोई टाइम नहीं लगता। अरे कुछ थोड़ा सा समझ में? जी सर बिल्कुल सर। मातूफ में हमको ये जरूर देखना है कि आया इससे कंप्लीट सेंटेंस विच इज मातूफ ऑन द प्रीवियस सेंटेंस, कुन्ना तुराबन, हम से मुराद ये हमारा गोश्त पोश बॉडी पार्ट्स, एंड वाइजामन एंड कुन्ना वाइजामन तुराबन, इसका सही सेटिंग ऐसी होगी कि हम भी मिट्टी हो जाएंगे, हमारी हड्डियां भी मिट्टी हो जाएंगे। सो दिस इज ओनली ए स्टेटमेंट, है ना, शर्तिया है या कंडीशनल है, उसके ऊपर सवाल हो रहा है। ये दिस इज द फोर्थ पार्ट, उसके ऊपर उनका खुद सवाल है, ऐसे सवाल करते थे अंबिया से या ऐसा बिलीव रखते थे। अब ये क्या है आखिरी पार्ट? जी सर, आइना से ये फिर एक और जो है इस्तफामिया जुमला शुरू हो रहा है। आ जो है हर्फ इस्तफाम है, और इन्ना जो है ये इन्ना का जुमला इन और वेरी गुड ना good. इन और ना है ये सर, इन अगर क्या फिर इन अगर हम और ये इन्ना सर ये अगर और नून अलिफ ना है या वो इन क्या है इन या मुझे ये लग इन्ना नहीं या, जी सर इन शर्तिया वाला है ये वाला। इन और ना जी सर क्या आ इन और ना यानी कि क्या अगर हम नून अलिफ ना शर्तिया हो गया, नून अलिफ ना जो है ये हम फाइल मतलब वो जो लोग ये बिलीफ रख रहे हैं उनकी तरफ रिफर कर रहा है फाइल, लमब उसून और उसमें लाम जो है सर ये हर्फे तहकीक है, और मब उसून जो है ये यहाँ पर अपने वो जो होता है मस्तरिया फॉर्म में यूज होता है, इसमें फाइल में हम उसको कह सकते हैं लमब उसून, तो क्या अगर फिर हम जरूर मबूसून उठाए जाने वाले हैं। तो बहुत गड़बड़ का है ना, बहुत गड़बड़ है, हमारा इतना टुकड़ा करो सजदा की हेल्प करो। इन्ना ला मबूसून सर, आ से जो है इंशाइया सवालिया जुमला शुरू हो रहा है, आ जो है हर्फे सवाल है हो गया, इन्ना मुब्तदा है गुड और खबर है। ये अब ये सवालिया है इंशाइया है, और फिर इसके अंदर भी एक मुब्तदा है, खबरिया नहीं है बल्कि सवाल कर रहे हैं। इन्ना मुब्तदा है, लमब उसून उसका उसकी खबर है, लेकिन सवाल में है इन्ना लमब उसून, क्या उस वक्त भी हम जरूर उठाए जाएंगे, यानी वो यूं मर गए अभी जिस्म ताज़ा है उठाए जाएंगे, बोले तो फिर भी बात उनके समझ में आती थी, लेकिन एक अरसे के बाद डे ऑफ जजमेंट कायम होने वाला है जबकि हम
हमारी हम और हमारी हड्डियां बहुत सीधा मिट्टी बन जाएंगी, क्या उसके बाद भी हम उठाए जाएंगे? दिस वॉज देयर स्टेटमेंट एंड दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ द पीपल हु वर विद द अंबिया, जो उनसे पहले अंबिया की कौमें आई थी, उम्मतें आई थी, उन सब ने ही आखिरत के बारे में ऐसा ही सवाल किया। अब लिंक आपको कैसे मिलता है, देखिए आप इसके अंदर 81 में आपने पढ़ा था बल, ये सब समझा देने के बाद भी इंतकालिया है, कॉन्ट्राडिक्टरी, खालो मिसला मा खाल अव्वलुनिया, कोई बात क्या कही है नहीं, कुछ नहीं, बल्कि उनका खौल माने बिलीव, उनके जो नबियों के पैगाम को समझने की वाली बात थी वो उसी तरह थी जिस तरह उनसे पहले की उम्मतों ने, नबियों की उम्मतों ने उनसे सवाल किया या उनका जैसा बिलीव था। अब उस वो अपग्रेड हो रही है, फिर उसके अंदर कुछ मानों का इजाफा 82 में हो रहा है, और वो ये कि वो ये बात करते थे जो सिर्फ इन्हीं की बात नहीं थी, इनसे पहले लोगों की भी बात थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वो कुरैश के सरदार इसी किस्म के सवाल करते थे। अब आज भी जितने डिसबिलीवर्स हैं क़यामत पे, जिनको यकीन नहीं है, शायद उनके भी जहन में ये ख्याल हो, जो किसी के जहन में भी आ सकता है, मर गए, गोश पोश सब गल सड़ गया, हड्डियाँ भी गल सड़ गईं, अब उसके बाद अल्लाह सुबहानहु तआला क्या फिर हमको दोबारा जिंदा करेंगे? अब कैसे खुल के आई ये आयत, कैसे कनेक्शन मिल रहा है आपको सजदा? जी सर बिल्कुल, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। चलिए ये इसको थोड़ा सा हम बोलो सर, इन मैं पूछी थी कि फिर हम यहाँ पे इसको इन्ना का जुमला बोलेंगे नहीं, या क्या सिर्फ हम कहेंगे कि इन है उस, ये जो है शर्त, डाउट है ना, इन्ना जो है वो फिर बेशक के मानों में, इन ये ना अलग चीज है, इन के साथ इन ना नहीं, इन क्या या अगर, डाउट है ना, फिर हम मुब्तदा है, लमबूसून हम दोबारा उठाए जाएंगे, मबूस बासा से है उठना, बासत मुकर्रर करना, ये कई मायने है। So this was their doubt, this was their response to the message of Akharat given by the Anbiya and especially of Sallallahu Alaihi Wasallam. Sir, ek aur question puch lo please. Haan, abhi ek nahi, ek na puchhe. Sir, ye thoda main confused ho gayi thi actually, ki kya hum mubtada jo hai wo zamair ki form mein aa sakte hain? Noon alif na 100% आता है मुब्तदा, अगर वो किसी को रेफर कर रहा है, हुम अंतुम हाउलाई, ये सारे मुब्तदा उनके आते हैं, है ना, ज़मायर भी जो होते हैं वो तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना जो है, क्योंकि ना एंड पे आता है, अंतुम वगैरह वो सर उसकी रफाई हालत है, वो हमेशा बिगिनिंग में एज फाइल आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, नून अलिफ ना उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है जो ऑलवेज इट कम्स एट द एंड ऑफ द, मैं कंफ्यूज हो गई, भी फॉर्म हो सकता है, इन ना जो है वो मैं के लिए भी आता है, इन ना जो है एक एक मुब्तदा बन के बहुत जगह आया है, बहुत जगह आता है, हम जो है उसमें भी नहीं, और रब्बना में जो आता है वो अलग है, फिर ये इन्ना जो आता है वो अलग है, कि हम इन्ना ना कहीं से भी कोई आया तो उठा लीजिए, इन्ना बार जितने भी जमायर हैं वो जरूर आते हैं, वो अलग भी आते हैं, और ये मुब्तदा, ये 100% इसने सही एनालिसिस की, ये मुब्तदा है, ये इसकी खबर है, लेकिन जुमला खबरिया नहीं है, इंशाइया इस्तेफामिया है, क्या फिर हम उठाए जाएंगे, फिर आप अच्छी तरह समझ में आ जाएगा जी सर। सर मैं बोल सकती हूँ
सर ये असल में अना है ना, एक तरह से इन्ना में अना है कि अना मतलब मबूसून के हम उठा, बिल्कुल वैसे कट आउट है आज जो इस्तेफामिया है वो अना की बजाय ना इस्तेमाल हो, दैट इज आल्सो गुड। नू की सेंस में होना चाहिए क्योंकि कालू इसका जो है वो सब्जेक्ट है, दे आर मतलब प्लूरल की बात हो रही है, तो ये होना चाहिए था नहनु लमबूसून, तो यही थोड़ी कंफ्यूजन थी मुझे तो। लेकिन ये है कि चले सर मैं इसको देख लूंगी, आप भी इसको प्लीज एक दफा मतलब मैं दोबारा हो सकता है आपसे इस बारे में बात करूंगी। नहीं सजदा, तुम जो बात कर रहे हैं मेरी समझ में आ रही है। जी सर, ये कि तुम ये चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर फेल प्लूरल है तो फिर वो एक जुमला उसके साथ जो है उसका जो आगे है उस कालू से कोई इसका जिक्र नहीं है। हमेशा बहुत जगह ऐसा होता है जैसे पिछली आयत में भी हुआ था काल अव्वलून प्लूरल और फेल जो है सिंगुलर है, वो जबान का अपना तरीका है। कालू के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर उसका सब्जेक्ट भी प्लूरल हो, ये जुमला ही अलग किस्म का है, उनका कॉल रिपीट नहीं कर रहे हैं बल्कि एक डाउट का इजहार कर रहे हैं। इन्ना मबूस, इसका ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ खालू है तो यहाँ पर नाहनु है ना, ज़रूरी नहीं है वो जबान के लिए, हम है ना जी सर, ग्रामर के लिहाज से इट्स नॉट कोई ऐसा ग्रामेटिकली कुरान नहीं होती। बहुत जगह ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी तो उसका फेल प्लूरल में होगा और उसकी जगह कहीं वो सिंगुलर आता है। एनीहाउ इज इट क्लियर टू अदर पीपल, दिस आयत सिंपल आयत थी। जी सर, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक वो सारा समझ आ गया, इसका कॉन्टेक्स्ट इसका मतलब। नाउ 83 वी कैन गो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से चाहिए वरना इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुश्किल है। क्या कौन है ये, अब जल्दी कौन कम अप, मैं अच्छा हुमैरा ठीक है, दोनों में से कोई एक ड्रॉ कर लीजिए। मैंने तो जंप कर दिया। हां कमान हुमैरा, अल्लाह रहमान रहीम, लकद वुइदना नहनु, यहाँ तक लेंगे, यहाँ से फेलिया जुमला है। लकद जो है वो तहकीक के लिए आया है कि यकीनन ऐसा पहले भी अभी हो चुका है माजी में। वो इदना फेलिया जुमला है, इसमें फेल और फाइल है और ये जो फेल है वो मजहूल है। वादा इसका रूट वर्ड है कि वादा किए गए हम, तो हम जो है ना इसका नाइब फाइल है और ना। इतने लोगों को ये बात समझ में आई थी कि ये फेले मजहूल है, क्यों फेले मजहूल है उसने वजह भी बता दी, वादा है और ऐन कलीमे पे अगर माजी में ज़ेर आता है तो वो मजहूल होता है। वो इदना हम वादा किए गए थे, अब उसका फिर एक नाहनु अलग से आ रहा है, वो क्या है? ये नाहनु जो है ये जोर देने के लिए आ रहा है, ये ना का ही बदल है या इसको भी फाइल ही कहेंगे क्योंकि ये नाहनु ही ना का ही बदल है नाहनु, और या जोर देने के लिए भी हो सकता है दोबारा क्योंकि नाहनु के हम भी और हमारे आबाओ अजदाद भी, तो वाओ को मैं हर्फ अत समझ रही हूँ और आबाओ ना को मुरक्कब इजाफी समझ कर इसका मातूफ नाहनु का मातूफ मातूफ इदे बन रहे हैं, लेकिन ये ना के रिप्लेसमेंट है या ये मोर जोर देने के लिए आया ये आप फरमाएंगे। एक सेकंड कौन बोल रहा है, ये शाजिया का हाथ है और कौन बोलना चाह रहा था, एक हाथ और एक शाजिया का है और एक किसका है? सर साजदा, साजदा दानिश का, पहले शाजिया एक्सप्लेन करेंगी फिर साजदा करेंगे, क्या है बोलिए। सर इस ना में दोनों है नानु व आबाओ ना, यानी हम और फिर उनको वो अलग, उन ना की फिर वजाहत है कि नानु हम और हमारे आबाओ अजदाद, जो वो इदना का जो ना है उसमें दोनों आ जाते हैं नाहनु भी और आबाओ ना भी, यानी हम और साजदा
सर मुझे लगता है कि यहाँ पर अनमहजूफ है कि हम वादा किए थे कि हम और हमारे अबाउजदाद, मुझे लगता है अनमहजूफ है यहाँ पर मजदरिया के सेंस में। एक और है फातिमा, आपका क्या ख्याल है? सर मैं यही समझती कि ना के लिए इन्होंने मजीद सॉर्ट ऑफ बदल टाइप का कि कौन है वो हम और हमारे अबाउजदाद हैं। देखिए एक छोटी सी गलती किसी भी कलाम के समझने और पढ़ने में बहुत मानों में भी फर्क ला देती है और कंफ्यूजन भी। जैसे वो पंक्चुएशंस की अहमियत हजारों बार लतीफ़ों के तौर पे भी बैन की गई है, मैं भी बैन किया था कि वो जो पहले टेलीग्राफिक मैसेजेस आते थे है ना, वो उसमें कुछ बहुत ही मुख्तसर अल्फाज टाइप होते थे, अब वो दो तीन लफ्ज मैसेज के तौर पे और उसमें पंक्चुएशन नहीं आते थे। आपको ये बताया था कि एक मुजरिम को फांसी की सजा तय हो गई थी और उसकी फांसी का वक्त वो मजिस्ट्रेट कहीं बाहर रहता था, कलेक्टर वो ऑर्डर देता था है ना, तो ये उसने ऐन वक्त फांसी, वो कोई उनका ऑफिसर रहता उसके सामने फांसी दी जाती, बहरहाल एक पुराने तरीके थे वो सजा देने के, तो उसने फौरी एक मैसेज भेजाया वहाँ के जो लोग इंतजाम कर रहे थे, वेट नॉट हैंग। ये मैसेज उसने इसलिए भेजाया कि उस मुजरिम के ताल्लुक से कुछ ऐसे सबूत मिले थे कि वो मुजरिम नहीं था, उसको फांसी नहीं दी जा सकती थी। तो उस वक्त से वो कोई SMS नहीं था, कोई फ़ोन नहीं था, बल्कि सिर्फ टेलीग्राम चलते थे। उसने फौरी एक मैसेज भेजाया लेकिन भेजने वाले को ये नहीं मालूम था कि टेलीग्राम में पंक्चुएशन नहीं आते। उसने मैसेज यूँ लिखा, वेट नॉट हैंग, ये मैसेज, ठहरो अभी मत फांसी दो। लेकिन वो जब पहुंचा तो इसमें ये कामा नहीं था, लेकिन पढ़ने वाले ने यूं पढ़ा, वेट नॉट हैंग। उसने पढ़ा, कोई इंतजार किसी का करने की जरूरत नहीं है, वेट नॉट, कोई जरूरत नहीं है हैंग, और उसको फांसी दे दी। ये सिर्फ एक पंक्चुएशन का फर्क हो गया और सारी जो है चीजें बदल गई। वैसे उर्दू में भी एक किसी मेहमान को रोकने के लिए किसी ने मैसेज किया, रोको मत जाने दो। तो उसके बाद जब मैसेज आया तो पढ़ने वाले ने, भेजने वाले का मकसद था रोको और मत जाने दो उसका ऑर्डर था, लेकिन पढ़ने वाले ने दोनों को पहले मिला लिया, रोको मत जाने दो। ये और यही गलती मोहतरमा हुमायरा ने भी यहाँ पर की, इसका ब्रेकेज गलत था इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। ब्रेकेज ये है, वो लकद वो इतना बात खत्म हो गई, यहाँ पर फेल मजहूल उसका नायब फाइल आ गया, ये बात ऐसा ही वादा हमसे किया गया है, उसके बाद बात ना नहीं शुरू हो रही है, अब हम में कौन कौन है, वो नहनु वाबा है ना, वो नहनु वाब हमसे भी और हमसे पहले वाले हमारे आबाओ अजदाद से, ना की ही वजाहत हो रही है ना, तब ये जब बात नई शुरू हो रही है, हमसे ऐसा वादा किया गया, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि ऐसे एक कामा अगर होता अरबी जबान में तो यहाँ पर कामा देते, और वो ये कि हमसे ऐसा ही वादा किया गया, फिर उसके बाद एक नई बात शुरू हो रही है, सिर्फ हम ही नहीं
بلکہ ہمارے آبا و اجداد اجداد سے بھی ایسا ہی وعدہ کیا گیا۔ تو یہ صرف بریکٹ میں وہ ادنا نانو اگر بریک کریں گے تو پھر یہاں پر یہ زور کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، سارا کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے۔ بلکہ صرف یہاں پر یہ ہے کہ ہم سے، اب اس کے بعد یہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا، یہاں معطوف و آبا ہونا بھی کہہ سکتے تھے، لیکن بات نئی شروع ہو رہی ہے کہ وعدہ یہ عام طور پہ زبان میں اس طرح سے ہوتا ہے، ہم سے کیا گیا، ہم سے ہی نہیں بلکہ ہمارے آبا و اجداد سے بھی یہی وعدہ کیا گیا، یا ہم کو حکم دیا گیا، ہم کو ہی نہیں دوسروں کو بھی حکم۔ یہ اٹس اے ریپیٹیشن۔ اب یہاں سے دوسرا ایک جملہ ہو شروع ہو رہا ہے جو نحنو سے ہو رہا ہے۔ یہاں بات ختم ہو گئی، گرامیٹیکلی ایک بات ختم ہو گئی، لقد وعدنا، ہم سے ایسا وعدہ لقد یہ تحقیق کے لیے ہے، کیا جا چکا ہے کہ ہم اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد۔ پھر صرف ہم سے نہیں بلکہ بولو ہمارے آبا و اجداد سے بھی، نحنو و آبا ہونا۔ تو پھر اب یہ نحنو سے دوبارہ شروع کریں گے تو یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہو گیا، نحنو مبتدا ہو گیا، واو حرف عطف ہو گیا، اور آباؤنا مرکب اضافی بن کے معطوف ہو رہا ہے نحنو پہ، کہ صرف ہم ہی نہیں ہمارے آباؤ اجداد بھی، اور اس کی خبر ہے حاذا من قبل۔ حاذا جو ہے یہ، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے فون میں شور، حاذا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، جب ہم خبر کو کریں گے تو حاذا جو ہے پھر اسمیہ جملہ ہے، حاذا مبتدا ہے، اس میں اشارہ ہے، اور اس کا مشار الیہ پچھلی آیتوں میں جو ساری باتیں ہیں کہ ارے بچے اتنی دور مت جاؤ، یہیں پر ہے، بعض جگہ ہم کو بہت دور پیچھے بھی جانا پڑتا ہے، وعدہ جو چل رہا ہے نا۔ ہاں لیکن وہ وعدہ کیا ہے کہ جب مر جاؤ گے پھر اٹھائے جاؤ، بس اتنے ہی ہے، یہ وہی وعدہ ہے، حاضر وعدہ کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور ہمارے آبا و اجداد سے، حاضر من۔ ہاں صرف بہت پیچھے مت جاؤ، اس میں توحید رسالت نہیں 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 پیچھے نہیں، وہ جو وعدہ تھا نا ابھی جو پچھلی آیت میں تھا کہ جب وہ ٹھیک ہے من قبل، جار مجرور متعلق حاذا، اور تو کچھ نہیں بن رہا، من قبل حاذا، یہ وعدہ جو تھا وہ اس سے پہلے، تو یہ وعدے پہ جائے گا، وہ اتنا پہ، ہاں وہ اتنا وعدے پہ جائے گا جی، اس سے پہلے بھی۔ دیکھیں بالکل سپریٹ جملہ ہے، ہم سے یقیناً ہم سے وعدہ کیا گیا، اور اس کے بعد ہم ہی نہیں بلکہ نحنو و آباؤنا، حاذا من قبل، یہاں تک ایک بات ہو گئی کہ ان سے بھی، اور ایسے ہی وعدہ من قبل، ہم سے پہلے، وہ آباؤنا کے لیے آیا من قبل، اس سے پہلے بھی ایسے انبیاء نے وعدہ کیے، کہ اور اتنا عرصہ ہو گیا نوح علیہ السلام کے بعد، آج تک کوئی دیا نہیں، اٹھا نہیں، دوبارہ اٹھنا، حالانکہ وہ وعدہ قیامت کے دن کا تھا، جب تمام لوگ جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان جو قیامت کے وقت مرے گا، وہ سارے ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اب تک کوئی اٹھا کیوں نہیں۔ اس کے بعد اس کی کامنٹری ہے، ان ہاذا الا اساطیر الاولین، ان نہیں نگیشن کے لیے آیا ہے، ہاذا سے پھر اسمیہ اب جملہ شروع ہو رہا ہے، حاذا مبتدا ہے، اور پھر یہ اس میں اشارہ ہے، تو اس کا مشار الیہ وہی وعدے پہ جا رہا ہے جو وعدہ کیا گیا کہ یہ جو بھی ہوگا تمہارے مرنے کے بعد۔ تو الا حرف استثنا ہے، اور اساطیر جو ہے وہ مستثنا منہ ہے، اور وہ اولین جو ہے وہ اساطیر کی صفت ہے، کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے کہ پرانی کہانیوں کی طرح ہی ہے، یہ بھی جو سنتے آئے ہیں ہم بھی اور ہمارے آبا و اجداد بھی۔ اب یہ وہاں تک تمہاری پہنچ بہت اچھی ہے، لیکن یہ ہر جگہ
हम कुरान में बहुत जगह असातिरुल अव्वलीन पुराने लोगों के किस्से इसका तर्जुमा हम किए हैं, यही के है ना असातिरुल अव्वलीन। कुरान में क्या है असातिरुल अव्वलीन, पुराने लोगों के किस्से हैं जो इतराज करते थे जी, यही किए ना। यस 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 सर। लेकिन यहाँ पर ये अकवाल के लिए आया है और कुरान इतनी रिच जबान है क्योंकि किस्से नहीं बल्कि अंबिया जितने भी आ गए उनके अकवाल के सिवा कुछ और नहीं है। इसमें हमको कोई सच नज़र नहीं आता कि हम जब हड्डियां हमारी और हम खाक हो जाएंगे या फिर मिट्टी में मिल जाएंगे तो उठाए जाएंगे, ये कैसे हो सकता है। ऐसे वादे तो हमसे भी किए गए, हमसे और हमारे आबा अजदाद से भी किए गए इससे पहले, तो हमको तो ऐसा लगता है कि ये वादे सिर्फ पुराने लोगों के खौल हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई दोबारा मिट्टी होके उठ नहीं सकेगा इल्ला। तो ये असातिरुल अव्वलीन को मुफस्सिरीन ने ये किस्से के मानों में अंबिया के जो किस्से हैं उनको भी असातिरुल अव्वलीन कहते हैं, जो अखवाल हैं जो आए हैं कि मरना है, मरने के बाद एक दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, हाजिर अल्लाह के पास जाना है। तो दीज वर्ड्स, दीज जिसको खौल कहते हैं, अखवाल कहते हैं, ये सिर्फ पुराने लोगों के खौल हैं, वी कैन नॉट बिलीव इन इट। बस बातें हैं पुराने, बस बातें हैं, बातों का क्या। समझ में आई? मैं समझा रहा था बहुत आसान है, लेकिन जब समझाने बैठता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि थोड़ी चीजें मुश्किल हैं। नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको एक कोई और रिपीट कर दे ऐसे लोगों में से जो कम बोलते हैं, तो ऐसे लोग है ही नहीं, ऐसे कोई, ये सब गायब हैं, इंडिया वाले गायब हैं। एक मोहतरमा आमिना है जो हाथ भी उठाई है जी सर। चलिए चलिए जल्दी बोलिए, टाइम भी कम है जी। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले हम लेंगे लकद वो इतना तक के लकद आया है यकीनन के लिए के वो इतना फेल मजहूल है के हम वादा किए गए के और फिर यहाँ से फिर इस्मिया जुमला शुरू हो रहा है नहनु व आबाउना के नहनु व आबाउना के हम और हमारे अबाउ अजदाद, मतलब वादा किया गया हमसे भी और हमारे अबाउ अजदाद से भी की वादा किया गया है। फिर यहाँ से हाजा मिन कबलु, ये इसमें इशारा है और इसका मुशारन अलैह है मिन कबलु मिनहु, यही होगा मुशारन अलैह सर कि ये हाजा की जमीर जा रही है वो इदना की तरफ कि वो वादा किया गया, मतलब वो जो तुरावन और इजामन के, मतलब वो इस सारी जो डिटेल्स पीछे आयत में है कि हमसे भी यही वादा किया गया था कि इस, मतलब ये चीज होगी मिन कबलू, इससे पहले यही किया गया था इनसे। फिर हर्फ नफी है और या से फिर हाजा से इसमें इशारा है और ये हाजा जा रहा है अभी इसने बताया था सारा वो इदना की तरफ ही जा रहा है कि ये कि नहीं ये सिवाय इल्ला इस हर्फ इस्तस्ना है कि नहीं ये सिवाय असतीरुल अवलीन की, मतलब आपने कहा अकवाल बोला है कि, और मतलब वैसे है जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि कहानियां इससे पहले जो हमेशा से ये डिस्कशंस होती रही हैं उससे ज्यादा बढ़ के और कुछ भी नहीं है। बस वेरी गुड, उतना भी समझ लिया तो बहुत काफी है जी। सही साहब, चलिए तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया है।
Is it okay? Shall we move to the next? Yes, sir. Inshallah. Inshallah. Chalo, ab kaun karega? Fatima Bechain thi bechari, unko karna hai. Ji sir. Father Shida Khawar, agar time bachta hai. Chaliye. Kul limanil ardu. कुल तक भी हम ले सकते हैं एक और या तो यहाँ अर्दू तक कर लेते हैं. कुल जो है ये पहले अमर है यानी कि अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म दे रहे हैं कि आप फरमाएं लीमानिल अर्दू. लीमानिल यानी किसके, तो ये जार मजरूर है मुतालिक कुल. किसके है अर्दू जमीन, आप फरमाएं कि किसकी है जमीन. और फिर अतफ है वमन फीहा और जो इसमें है. मन फीहा को अलग हम ले लेते हैं तो मन मुब्तदा हो गया है, फीहा इसकी खबर हो गई. ज़मीर जो जा रही है अल अर्दू में. फिर इन कुंतुम तालमून, अगर हो तुम जानते, तो यह शर्त है अगर कुंतुम तालमून. और शर्त को हम खोलेंगे तो कुंतुम में काना का जुमला है, तुम वही लोग हैं जिनसे मुखातिब है ये, अगर तुम इल्म रखते हो. फिर तालमूना में फेल और फाइल है यानी कि ताजा बता तुम लोग अलामा से है, तुम सब इल्म रखते हो. तो इसको हम अगर शर्त कर लें इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो फिर बताओ कि ये सही. फिर जाके जवाब भी शर्त हो जाएगा ये, फिर कुल ली मानिल अर्दो, तो बताओ किसकी है जमीन और इसमें जो कुछ है. सर ऐसे ले सकते हैं? बिल्कुल. क्या इसको आप समझे क्या ये बताइए, इसमें कोई तफसीर की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल आयत है. क्या समझे आप? सर इसमें ये कि इन किताब है, ये बिलीवर हैं, इनको पता है कि खुदा जो है अल्लाह ताला हैं सबके ऊपर हैं, और फिर ये बहस कर रहे हैं तो ये तब पूछते हैं कि तुम अगर बात जानते हो तो फिर बताओ कि जमीन किसकी है और जो कुछ इसमें. यानी कि सर ये चीज जानते हैं ये ऑलरेडी, ये समझ आ रही है कि फिर उनको शायद याद दहानी दिला रहे हैं या इतना ही कह सकती हूँ. नहीं नहीं बहुत सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुरान का ये मिजाज है और बहुत जगह हम ऐसा पढ़ के आए हैं कि कुछ ऐसे काम हैं जिसमें शिर्क होता है. जैसे बहुत से लोग हैं, बीमारी है, शिफा नहीं हो रही है, तो किसी को समझा के ये जो है हमारी बीमारी को दूर कर सकता है. कोई माली मुश्किलात में पड़ गया तो समझता है किसी और को कि ये हमारी मुश्किलात को दूर कर सकता है, और कोई और ऐसी छोटी मोटी तकलीफ दुनियावी हो जाए तो कोई ये समझता है कि कोई ना कोई इसको हमको नजात दे सकता है. लेकिन बस कुछ ऐसी बातें हैं जो एक बिल्कुल बेखौफ से बेखौफ आदमी या इंटेलिजेंट आदमी भी उस बात को मानने के सिवा कोई चारा नहीं है कि जैसे तखलीक है. अब तखलीक में जमीन और आसमान, ये दुनिया में कोई ऐसी हस्ती है, कोई बुत है, वो सूरज है वो खुद किसी की तखलीक है, आग है वो खुद किसी की तखलीक है, इंसान है वो खुद किसी की तखलीक है, क्या वो किसी की तखलीक कर सकता है? तो एक ऐसी मोटी मिसाल है, अगर वो जो एक एक हस्ती को का जिक्र करे बगैर वहाँ किसी का जिक्र नहीं किया जा सकता. तो अब ये मुसलसल 5-6 आयतें ऐसी आएंगी जिसमें उन चीज़ों का जिक्र है जो कोई मामूली से मामूली भी अकल रखता है तो वो नहीं कह सकता कि ये सूरज ने ज़मीन को बनाया या चांद ने ज़मीन को बनाया जिनकी प्रस्तिश होती थी, या फिर ये किसी बुत ने ज़मीन को बनाया, सितारों ने ज़मीन को बनाया, मलाइका ने ज़मीन को बनाया, या इसमें जितनी चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ उसके बनाने वाले हैं, इंसानों का बनाने वाला कोई और है, कीड़ों का बनाने वाला कोई और है, मछलियों का बनाने वाला, अस्तग़फिरुल्लाह नौसबिल्लाह. तो ये एक एक ऐसा सवाल है कि जहाँ पर सिर्फ एक हस्ती के और किसी का नाम नहीं लिया जा सकता. तो ऐसा एक सवाल उनकी तरबियत के लिए, उनके अक्ल की अंधी आँखों को खोलने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है. आप उनसे ये सवाल करके देखिए, उसका जवाब इमीडिएटली नेक्स्ट आयत में आएगा और उसके सिवा कोई और जवाब नहीं होगा.
कोई दे ही नहीं सकते। जमीन का बनाने वाला, आसमान का बनाने वाला, जमीन में जितनी मखलूक है उसका पैदा करने वाला, आसमानों में जितनी मखलूक है उसका पैदा करने वाला, चाहे वो रूह रखने वाली हों या अजसा में फलकी हों, चांद हो, तारे हों, सितारे हों, जमीन में इंसान हों या फिर झाड़ हों, पहाड़ हों, नहरें हों, अनाज हो, ये सारी चीज़ों की तख्लीक। लेकिन अनाज में फिर कोई बिलीव कर सकता है, ये ज़मीन है जो हमको अनाज देती है, इसीलिए हिंदुइज्म में भी वो भूमि पूजा करते हैं, भूमि माने ज़मीन, उसको भी वो कोई देवी मानते हैं। तो अब यहाँ पर एक सवाल ऐसा जिसका जवाब इसके सिवा नहीं है, जो आने वाली आयत में है, ऐसा सवाल किया गया। तो ये सवालात अल्लाह सुबहानहु ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए गए। उनका ये डाउट है कि मरने के बाद कैसे उठेंगे, कौन उठाएगा हड्डियां, और हम गल के सड़ के मिट्टी हो जाएंगे। तो आप ये सवाल उनसे करिए, क्या जवाब आता है देखिए। लेमन जो लफ्ज आया है वो किसका है, हु इज द क्रिएटर, हु इज द ओनर, हु हैज ब्रॉट देम इन, उसको वजूद में लाने वाला कौन हो सकता है। कोई बेवकूफ ये नहीं कह सकता जो सूरज की पूजा करता है, सूरज ने जमीन बनाई और उसी ने तमाम उसके अंदर जो चीजें हैं उसको सूरज ने बनाया या आग ने बनाई। आग की पूजा करने वाले भी हैं, मलाइका ने बनाई, बुतों ने बनाई, कोई नहीं कह सकता। तो ये किसकी मिल्कियत, आगे वो लफ्ज आ रहा है मिल्कियत का, लेकिन किस का है, इसका खालिक कौन है। सिर्फ जमीन ही नहीं वो, बल्कि वो मन फीहा, ले मन किसके लिए है के माने, हु इज द क्रिएटर, हु इज जिसकी तखलीक करने वाला कौन है जमीन की, और उसमें जितनी चीजें हैं, वो आसमान का यहाँ जिक्र नहीं है अभी, लेकिन उसमें जितनी चीजें, चीजों से मुराद हर वो चीज जो जमीन में, कीड़े मकोड़े, जानवर, झाड़, पहाड़, फल फूल, अनाज, इंसान, सारे चीजें आ गए। और वो किसकी है, हु इज द क्रिएटर ऑफ दोस थिंग्स। If you have the knowledge, अगर तुमको थोड़ा भी इल्म है, तो ये हर एक को इतना इल्म तो होता है कि हमारा खालिक कोई एक है, ये नहीं कि फला को फला ने पैदा किया और फला को फला ने पैदा किया, ऐसा नहीं। खालिक तो सबका एक ही है हर चीज का। ये इन कुंतुम तालुमुन, इसके मायने निकलेंगे कि अगर तुमको थोड़ा भी एहसास है, और बहुत से एहसास ऐसे होते हैं जो दर्द के तौर पे होते हैं, वो इंसान को पैदाइश के साथ ही दिए जाते हैं, नहीं कि वो उनका दर्द रखते हैं, उसको सिखाना नहीं पड़ता। बहुत से ऐसे एहसास हैं, हंसना, रोना, पलक झपकना, ये सब इसको जिबिल्लत कहते हैं, जो कुछ सिखाए नहीं जाते, भूख महसूस करना या फिर खाना खाना, मजा वगैरह, सारी चीजें। तो अगर ये इन कुंतुम तालुमुन, ये काना का जुमला वगैरह बहुत अच्छे एनालिसिस आपने की, तो ऐसे सवालात मुसलसल अभी 4-5 आयत तक चलेंगे, और फिर उसके बाद हर सवाल का जवाब जो है वो इसके सिवा और कुछ नहीं देंगे। ठीक है, आपने इसके एनालिसिस वगैरह सब अच्छे की, लेकिन बैकग्राउंड में ऐसे सवालात जिसका कोई भी इंसान अपने इदराक से, अपनी जिबिल्लत से, अपना जो उसका नेचुरल नॉलेज है उससे अगर तो वो जानता है, तो ये बताए कि ज़मीन और उसमें जो कुछ है इसका पैदा करने वाला कौन है, कौन उसका खालिक है। Is it clear, Fatima? जी सर, मतलब कॉमन सेंस की बात है कि जो नहीं भी बिलीव करता उसको भी पता है कि इंसान के बस की चीजें नहीं है, सारी कोई है, there is someone else। इंसान ही नहीं है, बहुत सी चीजें जिनकी प्रस्तुति की जाती है, उनमें से किसी की ये सलाहियत नहीं है कि वो जमीन को या जमीन में जो चीजें उसको खालिक बन सके।
जी उसके बाद छोटा सा जवाब है वो मैं कर लूं से सभी छोटा सा है आप नई की बजाय बेहतर यह है कि जब पुरानी आते हो तो उसको आप कर लीजिए वैसे okay. कर तो सकती हैं लेकिन ठीक है आपकी ख्वाहिश है तो कर लीजिए देख लेते हैं जी 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 यहाँ तक ये तो वही यत स्लैशिश हुआ वही है सयकुलूना लिल्लाही कि यहाँ पे सीन की ज़ियाफ़त है ये फेलिया जुमला है और या और फेलिया और मुजारे है कि अनकरीब वो बोलेंगे लिल्लाही अल्लाह के लिए कि फेल सयकुलूना में है फेल और फाइल है और लिल्लाही और फिर कुल कुल से है कि कह दीजिए फरमा दीजिए वाणी अभी तो यहाँ इसको पूरा करो लिल्लाही क्या है लिल्लाही पता नहीं सही सा मैं सही गलत ना बोल दूं कि फेल है और जार मजरूर है बस वही है फिर फेल है कहीं को बोल रहा है ओके कंफ्यूज जहन कब तक रहेगा जी जी सही सा वो अल्लाह के साथ वो आया तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि ये जार होगा कि नहीं होगा इसलिए मैं कंफ्यूज थी तो इसलिए अल्लाह जार मजरूर नहीं होता जी 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 यहाँ तक क्या समझा यहाँ तक ये कि आगे वो बोलेंगे कि मतलब लाइक अनकरीब वो कहेंगे अल्लाह के लिए लाइक अल्लाह के लिए वो आगे फिर बोलेंगे यहाँ पर एक सवाल है जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है कोई और भी बता सकता है तो बताए कि ये सा क्यों आया यकूलूना से भी हो सकता था जुमला सा यकूलूना ये अनकरीब के लिए आया ना से सर क्यों यानि करीब क्यों बोलेंगे जबकि एक बात जल्द why this sa is here what is the importance of this sa उसको मुझे बताना है हुमैरा ने हाथ उठाया पूछ फौरन फौरन ही वो बोलेंगे कि अल्लाह ही का है सब फौरन के मानों में नहीं आया मतलब जैसे ही आप जब उनसे पूछेंगे तो एक ही उनका जवाब होगा कि सर स्पॉन्टेनियसली निकलेगा उनके मुंह से नहीं निकलेगा ना कैसा निकलता मैं ये ऐसी चीजें मैं जवाब दूं सही साहब मैं ट्राई करूं बोलो जी बोलो जी जी बोलो। मुझे ये लगता है कि ये हर आगे की ये सब लोग मतलब हर कोई इस चीज को एक्सपीरियंस करेगा मरने का हर कोई का टाइम है तो ये मतलब उस वक्त सबको खुद ही अनकरीब ही बोलेंगे वो लोग इट्स टुवर्ड्स दैट और कोई ओके सजदा राशिदा किसी के समझ में कोई सिर्फ ऐड करना है वो ऑलरेडी जानते हैं ये बात इसलिए लाइक क्या बोले वो उन उन वो ऑलरेडी जानते हैं ये बात उनको लाइक उन एडमिट लाइक करते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं कि तो इसलिए वो बोलेंगे कि कुछ और नहीं बोलेंगे सिर्फ यही बोलेंगे कि अल्लाह के लिए कोई और फिर शायरी शुरू कर दिया यकीनन की सेंस में आएगा ये उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा वो पताएंगे कॉन्शियसली कि ये अल्लाह ताला ही कर रहे हैं सब कुछ अच्छा जरा एक सेकंड आप सब म्यूट कर लीजिए ये देखिए ये वाली आयत में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है उनसे एक सवाल करने का सवाल में एक कंडीशन है अब वो कंडीशन दावते फिक्र है वो दावते फिक्र है कि जहन पे थोड़ी देर बोझ डालो सोच समझ के जवाब दो तुम्हारे अंदर दर्क रखा गया है जाती तौर पे तुमको बगैर सिखाया हुआ इल्म है तुम्हारा कोई खालिक है उसके बारे में सवाल हो रहा है लमनिल अर्जुम व मन फीहा ये ज़मीन किसकी है कौन बनाया है और उसमें जो कुछ है उसका खालिक कौन है ये दावत फिक्र है वो ये है कि ये चीज़ तुम्हारे अंदर है और इसको इस्तेमाल करो उस इल्म पे एक थोड़ी देर सोचो गौर करो उसके बाद जवाब दो
قل یہ سین چھپا ہوا ہے ان کنتم تعلمون اگر تمہارے پاس علم ہے اس علم کو ڈھونڈنا پڑے گا اس علم کو غور کرنا پڑے گا کہ جو سوال ہو رہا ہے زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے جو کچھ اس میں ہے وہ درک والا علم جو ہمارے پاس ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا سوچ کر اس کا جواب دیں گے تو اسی لیے یہاں پر وہ جو ٹائم گزر رہا ہے اس کے لیے یہاں پر سائے آیا اسپونٹینیسلی نہیں ہوتا یہ بلکہ ان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ ان کن تم تعلم تمہارے پاس ایک علم ہے جو سکھایا نہیں گیا ہے بلکہ وہ تمہارے خمیر میں موجود ہے اس کا درک ہر انسان کو موجود ہے ایک کیڑا بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس کا خالق کون ہے اسی کی عبادت کرتا ہے ایک پرندہ بھی اسی کی عبادت کرتا ہے ایک مچھلی بھی اسی کی عبادت کرتی ہے اور اب اس کے لیے جب وہ تھوڑا غور کریں گے تو the answer will come out from them سیقولون للہ جب وہ جواب آئے گا اسی لیے یہ مستقبل کا صیغہ آیا کہ آفٹر پونڈرنگ آن دا کوشچن دا آنسر ول کم اب وہ ہر ایک انسان کے اندر موجود ہے جیسے عبادت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے خمیر میں موجود ہے اب وہ اسی کی وجہ ہے کہ اس خمیر کے تحت اپنے سے کوئی بڑی چیز دیکھتا ہے فائدہ پہنچانے والی نقصان پہنچانے والی وہ یا اس کو کچھ دینے والی کہ اس کو جو ہے وہ پرستش کے قابل سمجھتا ہے اور اس کی عبادت یا اس کی پوجا کرنے والا ہوتا ہے اسی لیے ایسی تمام چیزیں جو انسان سے زیادہ طاقتور ہیں تاریخ میں ان ساری چیزوں کی پرستش کی گئی اس کی جیسے آگ کی پرستش کی گئی سورج بہت طاقتور ہے چاند ہے ستارے ہیں اور پھر جو ہے وہ مختلف قسم کے دیوی دیوتا ہیں بہت ایسی چیزیں ہیں جس کے انسان آگ میں بھی پاور ہوتی ہے جلانے کی نقصان پہنچانے کی تو بھی کرتے ہیں مگر مجھے آپ ٹوک دیا نا میں جو بول رہا تھا اس کے بعد کامنٹ دینا نا بس اچھا چلیے بہر میں پھر یہاں رک گیا تھا تو میرا صرف بہتر یہ ہوتا کہ تھوڑا جب میں بولنے کے موڈ میں رہتا ہوں تو مجھے برداشت کریں اس کے بعد ختم ہونے کے بعد پھر اپنے کامنٹری بہت اچھا کیا آپ نے خیر چلیے بہرحال یہ جو سا ہے وہ مستقبل کو بتا رہا ہے یہ کوئی بہت زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے اس جبلت کے تحت جب غور کریں گے تو یہی جواب ان کے منہ سے نکلے گا للہ یہ ہر انسان کا اندر ایک درک موجود ہے بہت سے ایسی چیزیں ہماری جنس میں ہماری صفت میں ہوتی ہیں جس کو سکھایا نہیں جاتا بلکہ دیا کسی نے سکھایا کہ بھوک کیسے لگانا کھانا کیسے کھانا کسی چھوٹے بچے کو دودھ پینا کسی نے سکھایا یا پھر بھوک لگے تو اظہار رونا کسی نے سکھایا رو تو ہم تم کو کھانا دیں گے Did anyone do that? Yes or no? No, sir. اور جانوروں کو اگر لے لیں تو ان کو تو کوئی سکھانے والا بھی نہیں ہے ہاں میں کیوں لے لوں جانوروں کو جانوروں کو آپ لے لیجیے انسانوں کو میں لے ہم لے رہے تو یہ سیقول ہونا ہے وہاں ایک پونڈر وہاں ایک ان کو دعوت فکر دی گئی ان کن تم تعلمون تمہارے اندر وہ علم موجود ہے اس کے اوپر ایک منٹ کے لیے غور کرو تو خود ہی تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ زمین کا خالق اور اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ کون ہیں تو ان کا یہ جواب آیا پھر اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں صرف یہ لاسٹ ورڈ میں تبدیلیاں ہیں ہر جگہ مختلف انداز سے جواب دیا گیا ہے یہاں پر پھر وہ ایک سوالیہ انشائیہ ہے پھر آپ کو حکم آ رہا ہے قل افلا تذکرون کون کر رہا تھا یہ
मैं कर रही थी सर, मैं कर रही थी, मैंने म्यूट कर दिया था जी। कंटिन्यू जी सही सर। यहाँ से कुल से है, कुल इंशाइया जुमला है और इसमें फेल है, फेल जो है ये रेफर कर रहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ के हुक्म हो रहा है उन्हें, ये अमरिया है कि हुक्म हो रहा है उन्हें कि कुल कह फरमा दें या कह दीजिए। आ से इस्तेफामिया जुमला है और हर्फ नहीं के और इसका जवाब है फा, क्या नहीं क्या फा सबबिया है, फा इज द सबबिया वर्ड एंड फिर ला हर्फ नहीं है कि इसका नतीजा भी कह सकते हैं काफा का कि क्या वो क्या बस नहीं तुम गौर करते तज़क्करून में ता वर्ड जो है ये रेफर कर रहा है नॉन बिलीवर्स की तरफ और कि तुम गौर क्यों नहीं लाइक गौर नहीं करते क्या। अब फिर एक सवाल है, बहुत अच्छा गुड, बहुत अच्छा, लर्न यू आर लर्निंग आई मीन यू आर डूइंग अ गुड जॉब, लेकिन कुछ मुश्किल चीजें हैं जो मैं उसको हल करता हूं जी सर। अब दूसरों से पूछ रहा हूँ, अब आप म्यूट हो जाइए। ये जवाब तो आ गया सयकूलूना लिल्लाह, फिर ये उनकी सरजनिश क्यों हो रही है, फिर किस बात पे गौर करना है। उन्होंने गौर किया, उस सवाल का जवाब दिया, लमिन अलर्जी व मनफिया उसका जवाब, फिर क्या, फिर ये क्यों उनसे कहा जा रहा है फला तज़क्करून एनीवन। वो जानते पूछते इग्नोर कर रहे हैं, एक बात होगी सर, ज्यादा निष्कात क्यों उठा हुआ है सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल माय अपोलॉजीज और सेकंडली यहां पर जिक्र से ज्यादा नसीहत के सेंस में आ रहा है, तो क्या फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते, इस सेंस में जकारा जो है मुझे लगता है यूज हुआ है। और कोई हुमैरा जी सर, मैं भी यही कि तो फिर तुम इस पे लाइक शाजिया तो फिर तुम क्यों दूसरों से उम्मीद लगाते हो। नहीं राशिदा खबर क्या समझे तज़क्करून सर, जब उन्हें ये पता है कि जमीन और आसमान और जो सब चीजें हैं उसका बनाने वाला कोई और है, तो वो फिर भी ये नसीहत नहीं पकड़ते कि अल्लाह ताला की बंदगी करें, जो मैं समझ सकी हूँ कि वो सब चीजें देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ही है जो सब कुछ करने वाले हैं, और वो खुद भी ये कह रहे हैं कि कोई और हस्ती है कि अल्लाह के अल्लाह ही हैं जो इस सब के, वो जवाब भी दे रहे हैं कि ये सब चीजों के लिए अल्लाह ताला ही है, लेकिन फिर भी वो मतलब इसकी हठधर्मी है। अच्छा 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 अच्छा, अगर अल्लाह ताला सब चीजें बनाए, देखिए एक तदब्बुर थोड़ी सी अलग चीज है, माशाल्लाह सब में आ रहा है, सोच रहे हैं, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में जब हम आयतें पढ़ते हैं और ये जो ग्रुप हम बनाते हैं तो उसका एक मकसद है, एक टॉपिक पे बात हो रही है। अब हम इसको जितना फैलाएंगे तो फिर वो उसकी कोई हद नहीं है, तज़क्करून फिर अल्लाह पे ईमान लाओ, रसूल पे ईमान लाओ, इबादतें करो, नसीहतें, सब मायने हैं, लेकिन एक टॉपिक चल रहा है बासत बादुल मौत, इसका यकीन दिलाना है और उसी के बारे में बातें अब तक होती आई हैं आयतों में कि वो हम ये सब पुरानी बातें हैं, हमारे पहले के लोगों से भी ऐसा वादा हुआ, कोई आज तक उठा नहीं, उसको कन्विंस करने के लिए इन दैट कॉन्टेक्स्ट। इसको बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट आयत ले लेंगे तो फिर नसीहत पकड़ो, अल्लाह पे ईमान लाओ, नबियों पे ईमान लाओ, आखिरत पे ईमान लाओ, नेक अमल करो, बदियों से बचो, नफ्स पे कंट्रोल करो, हो इतना बड़ा मज़मून फैला हुआ है, ये कोई इंडिपेंडेंट आयत नहीं है, बल्कि दीज वर्सेस हैव ए कॉन्टेक्स्ट है इसका। अब वो कॉन्टेक्स्ट वहाँ से शुरू हुआ था, आखिरत पे ईमान लाने के लिए उनको दावत दी जा रही है और उसके आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। अगर कोई ज़मीन को का खालिक है और उसमें जितनी चीज़ें उसको बना सकता है, तो फिर उसका अगर ज़रा भी तुमको शऊर है,
शऊर का लफ्ज बेहतर है वहाँ पर, दर्क का भी अच्छा है, शऊर है, तो गौर करके इसका जवाब दो, तो फौरी जवाब आएगा सयख। जब तुम ये मानते हो कि ज़मीन और उसमें जो कुछ है उसका खालिक अल्लाह है, तो क्यों ये नहीं मानते कि अल्लाह ही मरने के बाद उठाने वाला है? ये तज़क्कुर है, ये जिक्र है, ये नसीहत है, और वो एक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है आयतों में, वरना इंडिपेंडेंट आयत कुरान का ऐसे ही मसला है। लोग जो है वो कॉन्टेक्स्ट को छोड़ देते हैं और उसके बाद हर आयत को इंडिपेंडेंट लेंगे, तो पूरी ज़िंदगी ये तज़क्करून में सारी चीज़ें हम बयान करेंगे कि गौर करो, नबी भी अल्लाह की तरफ से हैं, कलाम भी अल्लाह की तरफ से है, अहकाम भी अल्लाह की तरफ से है, और डोंट्स भी अल्लाह की तरफ से हैं, उसके ऊपर ही अमल, जो डूज हैं उस पर अमल करना है, डोंट्स पे अमल नहीं करना है। बहुत इतना वसी हो जाएगा कि उसमें सिवाय क्या कहना चाहते हैं अल्लाह सुबहानहु तआला वो बात क्लियर नहीं हुई। एक आयतों का ग्रुप है जिसमें आखिरत के बारे में उनको जो बिलीफ नहीं था उसको क्लियर किया जा रहा है। अब ये जितनी आयतें आएंगी उसमें एक मिसाल, उसमें तुम जो है अगर थोड़ा भी दर्क रखते हो, शऊर रखते हो, तो जवाब दो, वो फिर वहाँ पर उस बारे में लिल्लाही कहेंगे। तो अब वाई डोंट यू बिलीव इन द हियर आफ्टर, मरने के बाद जीने पे फिर क्यों नहीं है? जब अल्लाह ज़मीन को बना सकता है, उसकी तमाम मखलूक को बना सकता है, तो क्या उस मखलूक में से जिसे चाहे जिंदा नहीं कर सकता है? ये तो जिक्र है, ये जिक्र है, ये नसीहत है, ये चीज़ के ऊपर गौर करना है। जब इसको मानते हो तो फिर ये जो अल्लाह ने फरमाया कि एक दिन मरना है, मरने के बाद एक दिन दोबारा उठना है, फिर आमाल के लिहाज से तुम्हारी आखिरत का फैसला होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, वरना इन जनरल लेंगे तो फिर एक अप टू इन्फिनिटिव चलेगी आयत, एक बेशुमार चीज़ें, तो कॉन्टेक्स्ट से हम हट जाएंगे और फिर हर आयत के लिए उतना ही ज़्यादा वसी फील्ड हमारे सामने खुल जाएगा। ये ग्रुप हम बना रहे हैं, उस ग्रुप में एक ही टॉपिक पे बात हो रही है, उसका यकीन दिलाने के लिए ये मिसालें बयान की जा रही हैं, और फिर उसका इशारा उसी तरफ है जिस कॉन्टेक्स्ट में ये आयतें आई हैं। बहुत से मुफस्सरीन ऐसे भी आपको मिलेंगे जो हर आयत को कॉन्टेक्स्ट से निकाल के उसके ऊपर इन जनरल बात करेंगे, लेकिन कुरान का ऐसा मकसद नहीं है, बल्कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उनको ये यकीन दिलाया जा रहा है कि ये यकीनन होने वाला है, मरोगे, आए हो तो मरोगे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो भी मरेगा उसको अल्लाह सुबहानहु तआला हशर के दिन ज़रूर जिंदा करेंगे, और फिर उसका जो अबदी ज़िंदगी है उसका फ़ैसला अपने रहम व करम से या उसके अमाल से या जो भी तरीक़े से उसका फ़ैसला फरमाएंगे। ये थोड़ा सा ये तफक्कुर मैं आपके अंदर लाना चाह रहा हूँ कि जब कोई आयत पढ़ें तो कॉन्टेक्स्ट का भी ख्याल रखें, उसको इन जनरल उस लफ्ज़ को नहीं लेंगे। अब यही जवाब ये जो आ रहा है हर सवाल के बाद ये बदलते जाएगा, कहीं तज़क्करून, तत्तखून, ये इस तरह से बदलते जाएगा, लेकिन जो ये जवाब यही रहेगा सयकूलून लिल्लाह। मैं तो समझा था कि मैं बहुत सी आयतें 10-12 कर लूँगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इज़ इट क्लियर नाउ? सा क्यों आया सर? आप इसी तरह अगर यूं ही हम लोगों को पॉन्डर करने के लिए लाइक मजबूर करेंगे तो हम लोगों का भी इसी तरह फहम ज्यादा इंशाल्लाह बढ़ जाएगा सर। इंशाल्लाह जरूर बढ़ेगा, बहुत बढ़ रहा है, एवरीडे बढ़ रहा है, लेकिन उसको और ज्यादा मैं पुख्ता करना चाहता हूँ, जहाँ तक ये हो सकता है करेंगे, उसके बाद जब आप में पैदा हो जाएगा तो फिर आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगा उस वक्त। और मेरी दुआ है कि अल्लाह सुबहानहु तआला वो वक्त जल्द लाए कि आप थोड़ा उस पर तदब्बुर तफक्कुर करके, ये एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हो रही है तो उसी कॉन्टेक्स्ट में रह के कुरानी आयतों को हम समझें।
जी सर, क्योंकि ये जो आखिरी पार्ट हमेशा आता है हर तकरीबन आयतों में इसी तरह होता है, और हम उसको एज जनरल, हाँ ठीक है, फला तदब्बरू या कुछ भी कह के आगे चले जाते हैं, लेकिन वाकई अगर इस पे गौर करें कि आखिर ये इस आयत के साथ क्यों आया है, दिस इज गुड गुड इंशाल्लाह सर, अल्लाह ताला हिम्मत दे। सर ये इतना क्लियर हो गया, ये तो इतने अंडर एस्टिमेटिंग गणती के छोटी आयते हैं। सयाकुलूना में सर दो तीन जगह जब मीनिंग देखे हैं तो ये फौरन के झटपट कह देंगे, फौरन कह देंगे, अचानक कह देंगे सर, लेकिन आपने बताया कि क्यों है इस सीन इधर, तो सर छोटी चीजों में भी बहुत ज्यादा डेप्थ है। तो पता नहीं, मैं भी ऐसे ही समझता हूँ कि छोटी सी आयत है, फटाफट आज 10-12 कर लेंगे, लेकिन जब उस उसमें आ जाते हैं चक्की में, तो फिर अब पूरे पिसके ही निकलना पड़ता है। साजदा दानिश का हाथ बार बार उठ रहा है, क्या है साजदा, बोलो। नहीं सर, मैं तो अप्रिशिएट ही करना चाह रही थी, हाँ बात हाँ अलहमदुलिल्लाह कोई बात नहीं, चला। अप्रिशिएट करो या जी सर, यही बोलो। बात है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, और बस उसी में मैंने आपको बीच में टोक दिया, मुझे अफसोस भी नहीं नहीं हो रहा कोई उस बात, बात, कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन फेट होता वाज है देखो कनेक्टेड। साजदा, ऐसा जी सर, इंसानी नेचर है, आप जो है वो जानते बूझते नहीं किए, बल्कि एक वलवला, एक जोश होता है, आप जी सर, उसको साहब उसको आप अपने बात को जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन उससे आम तौर पे ये होता है कि सामने वाले का सिलसिला जो मुनखते हो जाता है। तो मैं सिर्फ जी ये सर, रिक्वेस्ट किया, सिर्फ आपसे नहीं सबसे, कि जब तक मैं बोलता रहता हूँ तो वो बगैर फुल स्टॉप कॉमा के बोलते रहता हूँ, थोड़ा बर्दाश्त कर लें, तो उसके बाद उस नहीं पर जितने चाहे क्वेश्चन करें तो उसका जवाब आसान हो जाता है। बीच सर, में आई वो वाज चेन ओवरवेल्ड नहीं, कोई माशाल्लाह, बात नहीं, मैं लेकिन समझता हूँ आपके जोश को, माशाल्लाह आपके जोश को, आपके वलवले को, आपके बोलने का जो अंदर से तकाजा था, वो सब चीज़ों को आई डू अप्रिशिएट, आई डू अप्रिशिएट। लेकिन सबके लिए एक मैसेज है कि जब मैं कोई चीज़ समझाता रहता हूँ तो एक चेन होता है, अब वो चेन जो है ऑटोमेटिक आते रहता है, तो वो मैं आपको बयान करता रहता हूँ, और बीच में इंटरप्ट हो गया तो सब इरेज आउट हो जाता है, उसके बाद फिर वो जो जो मैं बोलना चाहता हूँ वो खत्म हो जाता है, वो किसी के भी साथ हो सकता है। तो एक सिर्फ एक मामला था जो आइंदा के लिए आपको कुछ, मैं खास तौर से आपको नहीं बोला, लेकिन आइंदा के लिए ओके, आई डू जी अप्रिशिएट। चलिए सर, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज सो वेल कनेक्टेड, मतलब माशाल्लाह, मैं तो कभी भी नहीं सोच सकती थी इस तरीके से, द वे इट वाज एक्सप्लेन्ड, कोई बात अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, चलिए हमारा दुआ करो जल्दी से सर। बस रात को। एक अपना जो स्टेटमेंट है वो दे दूं कि छोटी आयत समझ के इसको अनकरीब वो कहेंगे अल्लाह के लिए, वो कर भी सकते थे और जब करते भी थे और आगे जा भी सकते थे, लेकिन जब इसके अंदर आप हमको घुसा के हिलाते हैं ना हमारे दिमागों को सर, फिर वो जो एक अंदर से एक फीलिंग आती है ना सर, वो एक डिवाइन फीलिंग कुछ अजीब ही आने लग जाती है। आई डोंट नो, सबके साथ ऐसे होता है कि नहीं, कि इसको ऐसे ही पढ़ के आगे चले जाएं, या फिर एक-एक वर्ड इसके हर्फ पे गौर करें, कि आपने कहा सीन के ऊपर गौर करा, अफला तज़क्करून सर, इट्स डिफरेंट। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमें इसी तरह अल्लाह आपको हिम्मत दे, आपको और ताकत दे, और आप हमें भी तौफीक दे कि हम भी जल्दी जल्दी सीखें, और सर आप हमें सिखाते रहें। चलिए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरते हसनतुम वक़िना अज़ाबन्नार, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना हिक्मा। या अल्लाह पाक परवरदिगार, हम सब मिलके जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारी साबित कदमी अता फरमाए, हमारे लिए आसानियां पैदा करें, सर को लंबी अच्छी सेहत वाली जिंदगी, और जितने शुरका हैं सबको भी अपने फैमिली के साथ मिलके सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। सर आप हमें यूं ही सिखाते रहें, हम जल्दी जल्दी सीखते रहें, अल्लाह अपनी तरफ से हमारी मदद फरमाते रहें, जी इसको जहां तक हो सके हम भी आगे पहुंचाने के काबिल बन जाए इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह आमीन इंशाअल्लाह वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बाना तक़बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। जजाक अल्लाह सर वंस अगेन, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।